एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लासिक बॉब हेयरकट। तो क्लासिक बॉब हेयरकट जो होता है वो बॉब हेयरकट के जैसा होता है और लेंथ सामने से थोड़ा लॉन्ग रहता है, बहुत ही क्लासी होता है। और इसको करने के लिए आपको 4 मेजर पार्टिंग निकालनी चाहिए। ये किसी भी डेंसिटी पे हो सकता है क्लासिक बॉब हेयरकट, और किसी भी टाइप्स ऑफ हेयर में हो सकता है, लाइक कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, कैसे भी हेयर में ये हेयरकट हो सकता है। और ये हेयरकट किसी भी एज पर आप कर सकते हो, लाइक स्मॉल किड्स पे भी आप कर सकते हो, और आप एजेड लोगों पे भी कर सकते हो, और नॉर्मल एज के लोगों पे भी ये हेयरकट हो सकता है। तो ये करते वक्त आपको मिडल पार्टिंग लेनी है, गाइडलाइन तैयार करनी है, उसके हिसाब से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपको फॉलो करते हुए स्ट्रेट हेयरकट करना है। हेयरकट करते वक्त सारे बालों को पीछे लाते हुए हेयरकट करना है। आपको जगह पे खड़े रहकर स्टेशनरी गाइडलाइन को लेते हुए हेयरकट करना है। स्टेशनरी गाइडलाइन क्या होती है, ट्रैवलिंग गाइडलाइन क्या अगर होती है, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वापस आपको डायगनल बैक हेयरकट लेना है, डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है, और गाइडलाइन को देखते हुए सारे बालों को कट करना है। फिर से गाइडलाइन को देखना है, सारे बालों को पीछे लाना है और स्ट्रेट हेयर कट कर देना है। राइट हैंड साइड में भी सेम और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम गाइडलाइन, सारे बालों को पीछे लेते हुए। उसके बाद आपको हॉर्सशू सेक्शन लेना है। हॉर्सशू सेक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाता है, यहाँ पर इनके बाल बहुत ही थिन थे तो मैंने 2 सेक्शन लिए, आपके 3 या 4 सेक्शन भी हो सकते हैं, तो 2 सेक्शन में मेरा काम हुआ। यह हॉर्सशू सेक्शन है, हॉर्सशू सेक्शन को मैंने पूरा का पूरा हेयर पीछे लिया है, गाइडलाइन को लिया है और गाइडलाइन को देखते हुए कट कर किया है। तो ये हेयर बहुत ही थिन है, इसकी वजह से मुझे इस टाइप से इजी वे में करने को मिला। अगर ठीक होंगे तो आपको सेक्शनिंग ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो आपको पता चलना चाहिए कि सेक्शन कहाँ ज़्यादा लेना है और कहाँ कम लेना है। आप देख सकते हो सारे के सारे बालों को पीछे लाते हुए हेयर कट किया है, मैंने साइड से कुछ भी नहीं किया। तो आप देखोगे सामने से हेयर लेंथ लॉन्ग रहेगी और पीछे से शॉर्ट। अगर आप देखते हो तो देखो ये हेयर कट, अगर आप सामने से देखोगे तो वी शेप क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से क्लासिक बॉब बहुत ही इजी वे मैंने किया है, आप ये हेयर किसी भी एज के लोगों पर कर सकते हो। उसके बाद इंटर्न ब्लो ड्रायर कर रही हूँ, ब्लो ड्रायर भी बहुत ही प्रॉपर वे से चाहिए। तो ये इतने इजी वे में मैंने हेयर कट किया है, तो आपको ये हेयर कट कैसा लगा? और ऐसे ही प्रोफेशनल हेयर कट अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने सारे हेयर कट डाल रखे हैं और ऐसे ही केमिकल ट्रीटमेंट भी मैंने डाल रखे हैं। तो ये हेयर कट देखो कैसा लगा आपको, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसको ज़रूर लाइक करना और बताना कि आपको कैसा लगा मेरा हेयर कट। थैंक यू फॉर वॉचिंग SD Makeover। थैंक यू।